हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ है शीतल तिवारी, नमक इश्क का सेज, आपकी चहेती जिन्हें आपने गुंजन के किरदार में खूब पसंद किया है। शीतल, वेलकम टू इंडिया टीवी। हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन इंडिया टीवी। यस शीतल, नमक इश्क का जो आपका गुंजन का किरदार है काफी पसंद किया जा रहा है, दर्शक काफी पसंद करते हैं। किस तरह से जो ट्रैक जा रहा है अब तक, क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी दर्शक फैंस से आपके कैरेक्टर के लिए? आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बिकॉज उसमें बहुत सारी शेड्स है। लाइक समटाइम्स ग्रे, शी समटाइम पॉजिटिव, शी समटाइम नेगेटिव। कभी वो स्टार्टिंग में तो वो बहुत ही पॉजिटिव थी, क्योंकि उसे पता था कि यू सी का है। तो शुरुआत से उसको यही बचपन से सिखाया गया कि तुम्हारी और यू की शादी होने वाली है। बचपन से वो दोस्त थे, तो वो यही सब में, यही माहौल में पली बड़ी है, और उसको जो भी चाहिए रहा है हर बार, उसकी जो बड़ी दीदी है, जो उनकी मम्मी है, उन्होंने उसको हर बार वो चीजें दी है। तो इस बार भी उसे यही लग रहा था कि क्यों, तो अब बड़की दीदी ने बोला है शादी होगी तो शादी होगी, बट देन जब शादी नहीं होती और उसका जो कैरेक्टर चेंज होता है, दैट इज वेरी अमेजिंग टू प्ले, बिकॉज दैट इज वेरी डिफरेंट एंड इट हैज वेरी डिफरेंट शेड, सो आई एंजॉय प्लेइंग इट। बिल्कुल शीतल, जैसे कि आपकी जब शुरुआत हुई थी तो स्प्लिट्स विला एक रियलिटी शो से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद आपने काफी शोज किए, ये रिश्ता किया, आप नमक इश्क का, तो जो जर्नी है काफी काफी अच्छी जर्नी जा रही है, तो आने वाले समय में किस तरह के एक ऐसा कोई किरदार जो आपके हमेशा दिल के करीब है, जो आप कभी करना चाहेंगे कभी भी मौका मिलता है तो? Yes, I would love to play Ramlila ki Leela, Deepika Padukone jo unhone character kiya, and second would be gangster ki Kangana Ranaut. That's like my dream work that I want to do in my life. Ki wo dono ko main bahut admire karti hu, because I love their acting as well. Aur wo do character bahut hi strong character hai. बिल्कुल, अब जबकि मतलब लॉकडाउन है तो सारे सारे जितने भी शूट्स हैं मुंबई के बाहर हो रहे हैं, अब तो हाउ मच कितना मिस करते हैं मुंबई। एनीवेज अब चीजें थोड़ी सी बेहतर हो रही है, हम सब वापस आ रहे हैं, वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मल, बट इतना समय जब मुंबई से बाहर शूट किया तो कितना कुछ मिस किया मुंबई को, तो अपना ओरिजिनल सेट को, सारी चीजें। बहुत बहुत ज्यादा मिस किया है एक्चुअली। वहां पे जाके सब कुछ लग्जरियस था, कहते ना कि वो गोल्ड केज टाइप होता है कि तुमको सब कुछ मिल रहा है लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते, तो वो जो फ्रीडम खत्म हो जाती है ना, क्योंकि बायो बबल में हमको शूटिंग करनी पड़ी है, बिकॉज हम कहीं जा नहीं सकते ताकि कोविड ना हो। ऑब्वियसली बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हमने, रिस्ट्रिक्शंस थे काफी सारे। फैमिली को बहुत, फैमिली को मिस किया, फ्रेंड्स को मिस किया, बिकॉज माई बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्टेट इज लाइक बॉम्बे, महाराष्ट्र में मैं पैदा हुई हूँ बॉम्बे, तो मेरे सारे फ्रेंड्स बचपन से लेके अभी तक के सब यही है, तो सब मुझे फोन कर करके पूछ रहे थे कि तू कब आ रही है, तू कब आ रही है, कब आने वाली है, कब बॉम्बे आएगी। मैंने बोला बस शूटिंग स्टार्ट हो जाए बॉम्बे में तो मैं बॉम्बे आ जाऊंगी, एंड फाइनली वी आर बैक। बिल्कुल, अब जबकि मुंबई वापस आ गए हैं, चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी से बेहतर हो रही है, तो जो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब एक एक्टिंग का डेली सोप है, तो कहीं ना कहीं आपका डेली डेली एपिसोड डिलीवरी की जो चैलेंज होता ही है, बट इस समय में थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, बायो बबल में शूट कर रहे हैं, प्रिकॉशंस लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो एक एड ऑन चैलेंज हो जाता है, इसे कैसे कोप अप कर रहे थे? एक्चुअली बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बिकॉज अब बॉम्बे में आ गए तो बॉम्बे में भी शूटिंग 4 o'clock तक या आई थिंक 5 o'clock तक ही अलाउड है, और हमें रोज एक एपिसोड रिकॉर्ड करके भेजना ही होता है, तो इट्स वेरी हेक्टिक फॉर द प्रोड्यूसर एंड फॉर द डायरेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो फिर हम पे, वो स्केड्यूल जब बढ़ जाता है तो वो हेक्टिक हम पे आ जाता है, हमें पूरा वो प्रॉपरली करना पड़ता है। एक दिन में कितने सारे सीन्स हमें कम्प्लीट करने पड़ते हैं, अगर देखा जाए तो एक दिन में कम से कम सिर्फ 3 या 4 सीन हो तो एक्टर को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो अपना पूरा एफर्ट्स उसमें डाल सकता है। लेकिन सीरियल्स में तो ऑब्वियसली बहुत सारे सीन्स एक दिन में कंप्लीट करने पड़ते हैं, सो दैट इज अ टास्क, इट्स अ टास्क, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बिल्कुल शीतल, स्प्लिट्स विला से आपने शुरुआत की थी, तो इस तरह स्प्लिट्स विला कितना फॉलो कर पाते हैं, या इसके बाद कौन से सीजन आपने फॉलो किए हैं और कौन पसंद है अगर आपको फॉलो कर रहे हैं? मैंने जब किया था 2018 में, तब उसके बाद मैंने उसको फॉलो में कर नहीं पाई बिकॉज ऑफ द हेक्टिक स्केड्यूल। मैं ट्राई करती हूँ, इस साल भी मैं देख रही हूँ तो उसमें इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल वाली भी मॉडल्स आई हुई हैं, और मैंने एक दो एपिसोड्स देखे थे स्टार्टिंग के जब हम लोग बॉम्बे में थे, तो उसमें से केविन मुझे पसंद है, केविन केविन करके है उसमें एमटीवी 13 सीजन में, अभी रिसेंट वाला सीजन जो है, और आई थिंक वो लोग ने कुछ पैटर्न भी चेंज कर दिया है if I'm not wrong, a pattern भी आ गया है इस वजह से। So yeah, special
गुड बट इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. आई मस्ट से कि वो सबके बस की बात नहीं है, मेरे खुद के बस की बात नहीं थी वो. इट इज नॉट माय कप ऑफ टी. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव एवरी सिंगल डे बिकॉज आई एम वेरी सिंपल गर्ल. और वहां पे कैसे मैनिपुलेट करने आना चाहिए, तुम्हें माइंड गेम खेलने आना चाहिए, और हर एक दिन तुम कैमरे के सामने अलग रहो और पीछे अलग रहो, वो मुझसे होता ही नहीं था वहां पे. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. बहुत से जब स्पिट्सविला रोडीज है, स्पिट्सविला है, बहुत सारे रियलिटी शोज जब आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फेसेस निकलते हैं, बट गॉस ग्रेस सक्सेस कभी लोगों को मिल पाती है. एंड यू हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि एक अच्छे शोज मिल रहे हैं, अच्छा काम मिल रहा है आपको. तो ये रिश्ता जब आपने किया था उसका भी आपको किरदार काफी अच्छा पसंद किया लोगों ने, नमक इश्क का. तो जो जर्नी है, लाइक हाउ इज द जर्नी अब तक की रोलर कोस्टर? अप्स एंड डाउन्स थोड़े होते ही हैं, बट किस तरह की जर्नी रही अब तक आपकी? कि जी बहुत ही अमेजिंग लगी है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक आर्टिस्ट, एक एक्टर बन सकती हूँ. बिकॉज आई यूज टू बी वेरी 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 यू नो देसी देसी काइंड ऑफ अ गर्ल, जो बाहर ज्यादा जाती नहीं, किसी से ज्यादा बात नहीं करती. बट देन जब मैंने ये रिश्ता किया, दैट वॉज माई फर्स्ट शो, एंड वो मुझे मिल गया. मतलब मैंने ऑडिशन देना जस्ट स्टार्ट किया था, तो मुझे ऑफर आया था डायरेक्टर कट से कि आप आ जाइए ऑडिशन के लिए. तो मैंने जैसे ही ऑडिशन के लिए गई तो उन्होंने मुझे बोला ये बजट आप करना चाहोगे? मैंने बोला यस व्हाई नॉट. इट इज लाइक नायरा की बेस्ट फ्रेंड का रोल था, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स था पब्लिक का. मुझे श्रीलंका से, अलग अलग कंट्रीज से मैसेजेस आते थे इंस्टाग्राम पे, एंड आई वाज लाइक शीतल दिस इज द बेस्ट, यू कैन डू दिस, यू शुड बिकम एन एक्टर. वो मैंने तब डिसाइड किया कि शीतल अब बनेगी तो एक्टर ही बनेगी. तो जो मॉम डैड है, उनके रिलेटिव्स हैं, कितना दोस्तों में कितना बदलाव आया कि अगर शीतल बिफोर एन एक्टर और शीतल अब एज एन एक्टर, तो दोस्तों में कितना बदलाव है? ऑब्वियसली थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं, बहुत बदल जाती है. एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे एक्टिंग इतनी अच्छे से तो आती नहीं थी, और मेरे डैड ही वाजंट सपोर्टिव टू दिस इंडस्ट्री की क्यों जाना है. और वी कम फ्रॉम अ वेरी यू नो नैरो माइंडेड फैमिली, थोड़ा कंजर्वेटिव फैमिली की यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, छोटे कपड़े नहीं पहनने, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना. तो पापा ने तो स्पिट्सविला देखा ही नहीं है, और उन्हें कभी सपोर्ट करते जब तक मैं स्पिट्सविला करती. लेकिन जैसे मेरी फिल्म आई ना ऑन मतलब बड़े पर्दे पे थिएटर में, जब मेरी पिक्चर आई झिंग प्रेमा जी, तब देन ही वाज वेरी हैप्पी, एंड नाउ ही इज हैप्पी कि हाँ माय चाइल्ड इज डूइंग गुड इन हर लाइफ. और जो फ्रेंड्स थे वो मतलब जिनसे मैं बात भी नहीं करती थी पहले, वो अब मुझे मैसेजेस करते हैं कि अरे शीतल तुम तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तुमने कैसे स्टार्ट किया था और तुम कहाँ पे होगी. तो काफी डिफरेंस हुआ. लेकिन जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे जो उस टाइम से हैं और अब तक हैं, वो तो अभी तक है, एंड दे आर लाइक दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर वेरी हैप्पी फॉर मी. बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जिनसे आप पहले बात नहीं कर रहे थे, अभी उनके भी मैसेज आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे. कहीं ना कहीं ऐसे जो दोस्त होते हैं, इस तरह के जो दोस्त होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ऐसे एक उम्मीद से जाग उठती है, यार हमें भी एक्टर बनना है, यार हमारा भी कुछ करवा दो, हमें भी किसी से मिलवा दो, काइंड ऑफ थिंग. ऐसी रिक्वेस्ट आई है कभी? रिलेटिव्स भी जो मुझसे बात भी नहीं करते, जिनसे मैं बात भी नहीं की होगी मैंने, उनके भी मैसेजेस आते हैं मुझे कि अरे शीतल दी अगर कुछ पॉसिबल है तो बताना, हमको भी एक्टिंग में ट्राई करना था. तो फिर मैं उनको कॉन्टेक्ट दे देती हूँ, मतलब जो ऑडिशंस के होते हैं. मोस्टली मैंने भी सारे ऑडिशन से ही क्रैक किए अभी तक, जितने भी मुझे काम मिला है टचवुड ऑडिशन की वजह से ही मिला है. तो मैं कॉन्टेक्ट फॉरवर्ड करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ठीक है जाके देखो, सबका अपना अपना नसीब है, जिसका हो जाए उसका हो जाए, दैट्स वेल एंड गुड ना. बिकॉज इवन आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, सो आई नो हाउ इट फील्स इफ समबडी सपोर्टिंग समवन. बिल्कुल, नमक इश्क की बात करें तो श्रुति है और भी बाकी किरदार हैं, एक कहीं ना कहीं समय थोड़ी सी यंग कास्ट है, तो कितना मजाक मस्ती होती है सेट पे? और कोई इंसिडेंट वाकया जो शेयर कर सके सेट का, शूट के दौरान कैसे कोई इंसिडेंट? हमारा हर एक दिन बहुत ही चिल गुजरता है, क्योंकि हम लोग सब सेम एज, ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, और सब लोग हमेशा सेट पे ना मस्ती करते रहते हैं. मस्ती मतलब मस्ती लिटरली. मैं और श्रुति तो हम लोग जब आउटडोर में थे तो लिटरली हम साथ में खाते थे, साथ में उठते थे, साथ में बैठते थे, बहुत मजा आता है. और इंसिडेंट बोलूं तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने रिसेंटली जब हम आउटडोर में थे तो हमने स्टार्ट किया लूडो साथ में खेलना, और मैं और आदित्य हमेशा चेस खेलते थे सेट पे. तो इट वॉज वेरी फन फन काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज 24/7 हम लोग एक साथ है, तो इट हैज बिकम अ फैमिली नाउ, लाइक इट हैज रियली बिकम. बिल्कुल, शो काफी अच्छा कर रहा है, आपके किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है, तो जाते जाते सभी दर्शकों, फैंस, व्यूअर्स, गुंजन के फैंस, शीतल के फैंस, सभी से क्या कहना चाहेंगे?
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, देखो आपकी गुंजन निभाने के बीच नहीं आ रही है तो उसे हेट मत करना। और आप लोग जो मुझे आजकल हेटरेड मैसेजेस दे रहे हो बिकॉज शादी का सीक्वेंस स्टार्ट हो चुका है कि योग और गुंजन की शादी होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, गाइस जो भी हो लेकिन गुंजन से प्यार करना बंद मत करना बिकॉज इट्स नॉट हर फॉल्ट। ठीक है, जो मेकर्स बोलेंगे गुंजन वही करेगी। सो कीप वॉचिंग नमक इश्क का एंड कीप लविंग गुंजन एंड एवरी एवरी अदर कास्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच शीतल, आपने बात की, बड़ा मजा आया। विशिंग यू लक, विशिंग यू गुड हेल्थ एंड विश आप जल्दी, उम्मीद करते हैं चीजें एक बार फिर से बेहतर हो जाए। वी आर वंस अगेन बैक टू द नॉर्मल सेट पे, सारे इंटरव्यूज आप लोग भी सेट पे आ जाएं। होपिंग फॉर द बेस्ट, विशिंग यू लक, गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।